अच्छा भैया, मैं लोकगीत विरहा गायक भृगुनाथ शर्मा अपने पूरी पार्टी के साथ किरण म्यूजिक से आप बड़े भाई वीरेंद्र यादव जी के देखरेख में आप लोग के बीच एक विरहा भेजत हैं। जीवना विरहा के शीर्षक बा मरद मेहरारू के लड़ाई। आप लोग से नम्र निवेदन हुई कि आप लोग ये गीत के सुन के सब्सक्राइब करब जा, लाइक करब जा, एकरा के आगे बढ़ावे के प्रयास करब जा। चार लाइन भूमिका के अंदर कहना मैं मास्टर नारी नरम है न लोहे से कम है, नरम है न इतिहास नारी का जग में, कभी बन के सबनम कभी बन के सोला, डंका बजाई है वीरों के संग में, राजा कमरू की बेटी रही कांतिका, अरे लड़के दंगल में कुश्ती दिखाने लगी, जोधा कोई तो लड़े जंग में, कर चुनौती को शादी रचाने लगी। अच्छा बाबू, ये हम नहीं बता रहे हैं, हमारा इतिहास बताता है, हमारा ग्रंथ बताता है, इस धरती पर नारी की अवतार कभी जो है किसी से कमजोर नहीं है। कभी जो है चाहे कोई काम हो, नारी जो है वही दुर्गा वही काली वही जो है खपड़ वाली बन करके वही किसी की माँ बनती है, तो कोई किसी की बहन बनती है, तो किसी की पत्नी बनती है। वही नारी कभी कभी रण क्षेत्र में तेगा लेकर के जो है क्रांतिकारी भी बनती है। वैसने वो नारी के कहानी बा, यही नारी राजा कौरू की बेटी जेकर नाम बताली कांतिका। ए बाबू, एकदम जवानी चढ़ल बा 16 वर्ष की अवस्था में, भगवान बड़ी खूबसूरत चेहरा बनोले बरन हो। वो जो है कांतिका कौरू जहाँ माई कमच्छिया का मंदिर बा, बड़ी सुंदर अखाड़ा बा, वही अखाड़ा पर जा करके ऐलान कर देती है। ऐलान कर करके पूरे जो है धरातल पर जितने राजा थे सबके पास पत्र भेज देती है कि जो भी नौजवान जो भी पहलवान होगा आ करके इस अखाड़े पर हमको पराजित करेगा तो हम उसी के साथ शादी करेंगे। ए बाबू, उस समय भैल का कौवाली का टुकड़ा मास्टर बीरन के प्रति लिखल गई। कि बहे खून मेरा चमन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, चमन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए, कवाली के टुकड़ा रहा। लेकिन कवि जी बड़ी सुंदर फर्ज लिखलका कि है अगर जो धातो पंजा मिला न है, है अगर जो धातो पंजा मिला न है,
कायर नयावर नन में जंगल से जाना है ए बाबू यहीं से कहानी के शुरुआत बा नज्म कराई ना मास्टर करूंगी शादी जो दंगल के बीच आएगा करूंगी शादी जो दंगल के बीच आएगा पटक या ठाड़े पर डोला को लेकर जाएगा लिखकर पापी पूरे विश्व को पठाई है वीरों की वीरता सारी नीति में मिलाई है हौसला पोस्त हुआ सुनकर नौजवानों का हौसला पोस्त हुआ सुनकर नौजवानों का कलेजा कांप जाता वीर पहलवानों का पढ़कर चुनौती चले कृष्ण मारा दानवा हो पढ़कर चुनौती चले कृष्ण मारा दानवा हो करे अपमान भारी मर्दन के जननवा हो ए बाबू जैसन की बतौनी आसाम में कौरू प्रदेश एक जगह है बाबू कौरू कमच्छा जहाँ कमच्छा माई के मंदिर बा ओजिगे के रहे वाला राजा कौरू की बेटी कांतिका वो जो है अखाड़े पर ऐलान करती कि जो भी पहलवान होगा जो भी नौजवान होगा हमारे इस अखाड़े पर आकर के जो हमको पटक देगा मैं उसी के साथ शादी करूंगी ये बाबू जगह जगह हर राजा के पास पत्र चल गई सारा राज के राजा लोग जा करके कमच्छिया में लड़े खातिन के कांतिका से अपन लाइन लगावे शुरू कर देलन लेकिन जिन अखाड़ावा पर चढ़स उनका के चट्टे दे पलक भर में उठावे पटक हटा देवे ए बाबू ये पत्र जो है सटते सटते आकर के जो है द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के जो है गेट पर सट गया भगवान कृष्ण के निगाह पड़ल पड़ल की भाई ये राजा कौरू के रहे वाला ये कांतिका नाम की लड़की जो है ऐलान कर दी है ये पूरा लागा था कि धरती पे जितना मर्द बलन सबकरा के चैलेंज दे देलो लागा था कि अब ये धरती पर मर्दन के पानी ना रही अब वो जनबा सज धज के वो चुनौती के स्वीकार करके चल देना कौरू प्रदेश आ जब चलन तब भइल का मास्टर भैया एक लाइन तर बा हमारो सवार रंग मन नहीं भावे ए हो सवारिया हमारो सवार रंग मन नहीं भावे ए हो सवारिया दिलावा में जगह दे द दिलावा में जगह दे द का करी गोर करिया हे बाबू ध्यान देंगे ये तो गीत था लेकिन जो है एकरा से सुंदर कवि जी भाव निकलन तब जब कृष्ण जो है द्वारिकाधीश अपने रथ को सजा करके चल देते हैं कौरू प्रदेश जाने के लिए उस समय लिखा गया का रथिया सजा कर चले कुंवर कन्हैया कौरू नगरिया रथिया सजा कर चले
बिटिया सजा के चले कुंवर कन्हैया कंवरू नगरिया खुशी में कैले बिया सबका के बोर गोरिया दंगल में देख भैया जी एक रोज जवानी मरदन के लुटले दिया बहुते पानी मोटे मोटे गंगिया के राना वो देखावे मोटा बाटन घरिया मोटे मोटे गंगिया के राना वो देखावे मोटा बाटन घरिया खुशी में कैले दिया सबका के बोर गोरिया हे बाबू द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण जो है कौरू प्रदेश पहुंच जाते हैं कामाख्या माई के मंदिर पर अखाड़ा सजलबा सोमवार में देश विदेश के राजा पहुंचल बायन कुश्ती जारी बा राजा कौरू की बेटी कांति का ऐलान करी ओ अखाड़ा पर चढ़ के ऐलान करत या कहत या कामा के भैया एक लाइन तर्ज लागल और झूलानी पंगानी और झूलानी पंगानी अरे जहाजिया बानवादी हमार पाया जे बरा जहीरा जड़ा दी ए बाबू ई त गीत के लाइन रह लेकिन अखाड़ा पर कांतिका करे का कि सारा जितनी पहलवान लोग गई बालन पटक पटक के छतिया पलतवा रखे को बात कहे ये बतिया बतावे का जरा मऊगा मरद सेना अरे मऊगा मरद सेना अरे होई लड़ाई आवे ये बीरवा ले बहथवा मिलाई जरा संध शिशु पाली रूपम जवानवा करण दुरोधन हर दुशासन बिजनवा और भाग्य पहलवान केतना और भाग्य पहलवान केतना और मुहावा छिपाइया भैया बीरवाल बपनवा मिलाई ए बाबू उस कांतिका के अखाड़े पर जरासंध शिशुपाल करण दुर्योधन जैसे दुशासन जैसे नौजवान हार गए उस पराजित को देख करके कितना नौजवान अखाड़ा छोड़ करके चल देलन
हे बाबू भगवान कृष्ण बगले में बैठल बना सोचल के रे बाप रे बाप इत लागत कि धरती पर मर्दन के पानी ना रही पूरा जौन बा लगलन अपन शरीर के अस्त्र वस्त्र उतार करके आ जंघिया लंगोटा सरियावे आ ओ समय जंघिया लंगोटा अपन कसे शुरू कैलन आ मन ही मन सोचत कहत लंका एक लाइन तर्जो मास्टर ये गीत के लाइन बा कि मजा बरहो महीना कि मजा बरहो महीना तेरी गली में इत गीत के लाइन वाले के लिखल गई का उठ के मर्दन के पानी रानी बनेलू मारी के रियाज कांधा कुदले समरिया भूले लागल रान भइल दुगना सरिया रानी बने रानी बने बनेलू हो जाओ देख पलवानी रानी बनेलू ए बाबू इधर भगवान कृष्ण जो है जंघिया लंगोटा पहन करके अखाड़े पर चलने के लिए तैयार हो गए अखाड़ा पर अपना कदम धीरे धीरे चढ़ाव शुरू के मन मन ही मन सोचत लंका मास्टर टेरी के लाइन रहल अरे मर्दन के कवनो पानी ना रही अरे मर्दन के कवनो पानी ना रही तो लड़ब मेहर के संग में हार जीत होई हानि अरे हो हानि अरे हो हानि चले कन्हैया दंगल छोड़ के चले कन्हैया दंगल छोड़ के कमख्या के सुनकर बाओ पहुंच गए अखाड़े में हस्तिनापुर गिरधर रातों रात भीमसेन का पुत्र घटोचक वीर बड़ा बलशाली था भीमसेन का पुत्र घटोचक बड़ा बलशाली था अरे हिडिंबा के जंगल में ठोक रहा भुजा पर ताली था ए बाबू इधर देखें जैसे ही भगवान कृष्ण जौन बा अखाड़ा पर चढ़लन हो तब तक माई कमाख्या के मंदिर से आवाज आता है आकाशवाणी होता है क्या है प्रभु इस अखाड़े पर चुनौती जो है पहलवानों के लिए रहे वीरों के लिए है जो वीरों के वीर महावीर है उसके लिए यहाँ चुनौती नहीं है और आप किसके साथ लड़ने जा रहे हैं एक कांतिका के साथ जो कि आपकी भक्त है अगर वो पटकती है तो भी आपकी बदनामी और पटकाती है तो भी आपकी बदनामी इसलिए आप जो है इस अखाड़े पर न जाइए ए बाबू माई कमख्या के आवाज को सुनकर के आकाशवाणी को सुनकर के बाबू भगवान कृष्ण वहां से अखाड़े पर से उतर करके अपने रथ पर सवार होकर के चल देते हैं कहां जहां की युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव अर्जुन पांचों पांडव बैठे हुए हैं बाबू हस्तिनापुर चले जाते हैं और जा करके सारे पांचों पांडव से कहते हैं सारी बात को बतलाते हैं भीमसेन कहलन कि अच्छा ऐसा बात बता चल हमारे को जोन बा कटक जंगल में हमारे को लड़का रहेला
वो लड़का से भेंट कर जा वो हो जा खड़ा समारी। पांचों पांडव और भगवान कृष्ण चल देते हैं कटक जंगल में हिडिंबा के दरबार पर। बाबू जैसे ही जौन बा कटक जंगल में प्रवेश किया तो देखत का बालन लोग कि घटोत्कच जो है अखाड़ा एकदम बना करके एकदम 10-20 गो पहलवान लेके रियाज करावता। उजी अखाड़ा के पास पहुँचल भीमसेन जा करके घटोत्कच के बुला के एक बात कल का कल मास्टर एक लाइन तर्ज बा अपने पुत्र घटोत्कच के बुला के कहे ये बात बतावे का सोमवार रचाइले ये बेटा कावा गुना बरिया राडावा में राखिला बेटा हो राडावा में राखिला बेटा हो बाबू के पगरिया बड़े बड़े बीरवन के बेटा हो हिलेला तंदरिया लजिया बचाला बेटा हो लजिया बचाला बेटा हो चली के सामरिया ए बाबू पांचों पांडव और कृष्ण की जो है बात को सुन करके घटोत्कच जो है कांतिका की चुनौती को सुन करके पांचों पांडव के साथ कृष्ण को लेकर असाम कौरू कमख्या मंदिर में आ गया। जंघिया लंगोटा चघा करके रेखड़ी साहेब के सामने पहुंचा। कहा साहेब कुश्ती एक मिनट के होखे चाहे एक घंटा के होखे इस अखाड़े पर समय की कोई पाबंदी नहीं होगी चाहे कुश्ती दिन रात कहे ना होके। ए बाबू दोनों ओर से जौन बा एक तरफ से कांतिका और एक तरफ से घटोत्कच लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस समय भैल का मास्टर एक लाइन तर्ज बा निबिया के डाली मैया लावे लुई झूला नवा हो कि झूली हो झूली ना मैया मोरी गावे जितिया हो कि झूली हो झूली ना
के ललनवाया के घर जल बात मनावा की मनावा मानी हो जाई है ना तोरा बदंगल में घुमनावा की मनावा मानी हो जाई है ना तोरा बदंगल में ए बाबू भीमसेन का सपूत घटोत्कच है एकदम मन ही मन जान बा चैलेंज कर सकता कि आज तो हार जोन बा ए अखाड़ा पर तो कोड़ी भस कहबे करो मन ही मन विचार करे उस समय भइल का बड़ी गहिल बाटे आजी मर दोस्त पाला छूटी जाई बरिया तो हर फुलाई खानवा की मानवा मानी हो गई है ना की मानवा मानी हो गई है ना तोरा बदंगल में घुमानवा की मानवा मानी हो गई है ना ए बाबू चढ़ के अखाड़ा पर दोनों जौन भाई अपन अखाड़े से मिट्टी उठा करके हाथ मिलाने के लिए तैनात हो जाते हैं और जैसे ही हाथ मिला करके लड़े के शुरुआत के लिए मास्टर तो चलोरिया के लाइन लिखल का कुश्ती हो खे दंगल बीच लागल मायदानवा हो जवानवा ताली बाजल गगनवाना माई के जयकारी तब तक पटक बैठल सीने पर मारदा नवा हो जवनवा ताली पादल गगनवाला ए बाबू जब दोनों तरफ से अखाड़े के बीच लड़ाई शुरू हो गया आ जैसे शुरू भइल हो चट्टे दे जौन बा अपन कांतिका लगौलस दाव ऐसन दाव लगौलस कि बुझाइल कि टांग के घट उठ के फेंक दिले भीमसेन जौन बा आवाज कह के कहलन अरे बेटा संभल के तब तक जो है घटोचक जो है अपना दाव से कट जाता है बाबू और कट करके जो है अपनी दाव लगा करके ऐसन दाव लगा कर उठा के फेंकलस हो कि कांतिका जो है जा करके अखाड़े पर चारों खाना चित हो जाती है और जैसे ही चित भैली तो चटे दे ठेगुनावा घुटनवा जाकर छतिया पर लगा के बात कहलस का कहलस मास्टर पापट के लाइन बा अरे दाब दिया घुटना से धके छाती अब फनई बूका अरे दाब दिया घुटना से धके छाती अब फनई बूका कर हवाले गोरिया अपन थाती अब शर्मई बूका We'll be right back.
भीमसेन का लाल घटोचक विश्व विजयी कहलाया, सोमवार का जयमाल गले में ले दुल्हन को पहिराया। अरे सानी मरद न भाग रोड से खाती तू यजमई बूका, चल पहुरवा ससुरे में सब बाटी तू यफनई बूका। ए बाबू जैसे अखाड़े पर पटक करके घुटनवा से दबलो हूँ चट्टे से कांति का हाथ जुड़लस, कलश की स्वामी हम आपके पति मान गई। चट्टे दे जौन बा घटो चक अखाड़ा पर से खड़ा बिलन चट दे जो है कांति का खड़ा हो करके और जयमाल लेती है बाबू, ले करके वही स्वयंवर में घटो चक को जयमाल पहना देती है। यहर जौन बा जितनी नौजवान पहलवान ऊजा बैठा रह बाबू एकदम चौतरफा हला हो गया कि घटोचक जो है भीमसेन का बेटा जो है विश्व विजयी है, ऐलान हो गया। और तब तक भाई का भैया अल्लाह के लाइन बा बाजल कोमरू नगरिया सदिया के मंडप राजा दे हाले छवा। हस्तिना नगरिया से सजली बरतिया, हाथी घोड़ा पलकी चले रथिया सजा, बिना दूल्हा के चलल दिल से बरतिया। पांचों भाई पांडव जहां समधि कहा, भीष्म पितामह गुरु द्रोण बल करिया, कमरू नगरिया में पहुंचे हैं या ताही बीच माड़ावा में बैठा दुलहिनिया। दोनों वर्ष पंडित जहां बेदावा सुना, मांगिया के बिहल सजा, सात भाव घेरा ले का दूल्हा दुल्हनिया। ए बाबू इधर जो है कौरू प्रदेश में कांतिका जो है घटोचो को जयमाल पहना देती है बाबू, लेकिन कुछ लोग जो कि हस्तिनापुर के लोग थे, कांतिका के पिता जो है आकर के कहते हैं कि आप लोग ऐसा कीजिए कि जा करके हस्तिनापुर से बारात सज करके आइए, आपके लड़का दूल्हा जो है यही हमारे कक्ष में जो है विश्राम करेंगे। ए बाबू जा करके पांचों पांडव जौन बा हस्तिनापुर से पूरा जौन बा बिना दूल्हा एकदम सज धज के बारात पहुँचल हो, आ जब बारात पहुँचल अलन बारात लेकर के घटोचक और कांतिका के शादी हुई, एकदम धूमधाम से शादी भइल। पंडित जौन बा पंडित अपन मंत्र उच्चारण कर सब जनबा एकदम बढ़िया से बीत गई। तब जो है कांतिका को दुल्हन बना करके घटोचक विदा करा करके ले जाता है अपने मात ही डिम्बा के पास। जब लेके गई तो ओ समय भैल का भैया खड़ी के लाइन रहा।
अरे लवटल हस्तिनापुर परतिया धधाइलू बाबुनी अप्पा के सजिया पर सजनवा यधाइलू बाबुनी घटोर चक सुहाग मनाया भैल मरस से भेट छौ मास के बाहर भीतर रह गई तोहरो पेट अरे घाट के हलुआ ओ छवनिया खियाइलू बबुनी पाक सजिया पर सजनमा यधाइलू बबुनी ए बाबू मात हिडिंबा जो है अपने दुल्हन को जो है अपने घर में उतार करके बड़ी प्रेम से जो है अपने कृति के अनुसार सारा कर्म कर करके घटोरचक को सुहागरात की व्यवस्था बनाई। घटोरचक जो है अपना सुहागरात मनाया कुछ ही दिन के बाद दो चार छः महीने के बाद जौन बा कांतिका के जौन बा पेट में बच्चा रह गया। प्रमाण मिलता है जैसे समय पूरा हुआ बाबू एक साथ दो पुत्र का पैदा हुआ जिस पुत्रों का नाम रहा बड़े पुत्र का बर्बरिक और छोटे पुत्र का मेघवर्प। ए बाबू यही से कहानी का लास्ट रहल अंतिम लाइन रहल। गुरु बिहारी राम रतन धन मुसई जी पहारी और ये शोभनाथ मान धातो हीरा के कलम से निकले चिनगारी हो तरे मरद के कौन पानी ना रही तो शर्मा भृगुनाथ के रक्षा करे भवन हो मरद।